नमस्कार, आप देख रहे हैं टी एफ इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। 10वीं क्लास के नतीजे घोषित हो चुके हैं और इस बार पहली बार था जब जम्मू और कश्मीर के बच्चों ने एक साथ एग्ज़ाम दिए और अब ये 12वीं क्लास के बाद 10वीं क्लास के नतीजे घोषित हुए हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है जम्मू के बच्चों का। और आप देखिए, स्कूलों में इस समय जश्न का माहौल है क्योंकि जम्मू के स्कूलों की बात करें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और क्योंकि ये नया एक्सपीरियंस था एक साथ एग्ज़ाम देने का और फिलहाल ये पहला बोर्ड भी माना जाता है 10वीं क्लास के, और बहुत अच्छा प्रदर्शन जब रहा हो तो ऐसे में जश्न बनता है। और आप देखिए, यहाँ पर स्कूलों में जो है ये जश्न मनाया जा रहा है, किस तरीके से मिठाइयाँ खिलाकर एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी जा रही है और बच्चे जो हैं वो खुश हैं अपनी मेहनत से। और कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं, अच्छा कितने जो सफलता हाथ लगी है, पूरा यकीन था? जी, पूरा यकीन था। तो कितनी मेहनत लगती है एक एग्ज़ाम में? कहा जाता है कि बस 10वीं क्लास के तो एग्ज़ाम्स हैं, अभी आगे 12th है ये, तो 10वीं क्लास कितनी मुश्किल रहती है, पहला बोर्ड होता है? नहीं, मुश्किल तो काफ़ी होती है लेकिन मेहनत करो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है। तो पहली बार आपने कश्मीर के बच्चों के साथ एग्ज़ाम दिए, किस तरह का एक्सपीरियंस? मैम, एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि हमें नर्वसनेस भी बहुत थी और हमारा फर्स्ट टाइम बोर्ड था, बट हमें करना तो था तो इसलिए हमें नर्वसनेस भी थी, बट हमारे टीचर्स एंड स्टाफ ने जो हमारी हेल्प की थी उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा, तभी हमारे यहाँ पर है, ये उनका मुकाम है जो हम यहाँ पर सफलता के साधनों पर है। तो पहली बार बोर्ड देने में कुछ अलग से नर्वसनेस लगती है कि क्योंकि स्कूल में जब एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बोर्ड के एग्ज़ाम थोड़े अलग होते हैं, एक अलग से डर भी होता है, तो किस तरीके से रिजल्ट